क्या भेजे, 1 KG लिया मैं, आलू 4 ठो डाला उसमें, 4 पीस आलू, 1 KG कैबेज, टमाटर 5 पीस काट के, अदरक लहसुन कूटा हुआ, अदरक लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं आप, अदरक लहसुन में कूट के रखा। उसके बाद 2 पीस ग्रीन चिली 1/2 करके रखा, चिल्ली पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये थोड़ा जीरा, सरसों 5-10 पीस, मेथी, होल मेथी जो रहता है गोटा वाला, ऑयल लिया मैं 150 ग्राम, मैं रिफाइन ऑयल लिया, मैं बनाना चाहता हूँ नो ऑयल कैबेज सब्जी। घर में कैसे बनाते मैं आज बनाना चाहता हूँ। देखिए अच्छी तरह से देखिए, ऑयल 150 ग्राम डाला, 150 ग्राम ऑयल लिया मैं, थोड़ा सा गर्म होने सूखा मिर्ची 2 पीस डाला, सरसों, जीरा, मेथी जो लिया उसको डाला मैं, ग्रीन चिली जो काटा हुआ रखा था वो डाला, अदरक लहसुन जो छेच के रखा था, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा छेचा वाला कूटा वाला थोड़ा अच्छा रहता। उसको अच्छी तरह से भुना, थोड़ा भुनने के बाद मैं क्या क्या ऐड करता हूँ अब थोड़ा अच्छी तरह से दे, बढ़िया टेस्टी रखता। उसके बाद मैं टमाटर ऐड किया, छोटा छोटा पीस 5 पीस लिया मैं, बड़ा रहेगा तो 3 पीस ले सकते हैं, मैं थोड़ा बारीक काटा लिया, उसको चलाया, चलाने के बाद मैं कैबेज, आलू ऐड किया, थोड़ा को बारीकी लिए तो अच्छा रहता। उसके बाद मैं ऐड करूँगा सब्जी का मेन पहला, सब कुछ डाल दो, एक चीज नहीं डाला तो अच्छा नहीं लगता, वही चीज सॉल्ट। सॉल्ट के बिना सब्जी आधा अधूरा रहता, आधा आधा। मैं सॉल्ट ऐड किया सब्जी के हिसाब से, उसके बाद मैं हल्दी पाउडर ऐड किया, उसके बाद पानी नहीं देना आपको, कैबेज में ऑटोमेटिक पानी आएगा। हम भी टमाटर ऐड किए उसमें भी, वो धीरे धीरे घुले तो वो भी ग्रेवी हो जाएगा। कैबेज इतना पानी देता जाए आलू को भी बॉईल कर देता, मैं इसको स्टीम दे दिया। एक बार मैं देखा स्लो फ्लेम में बनाना, ज़्यादा फायर मत देना, फायर दे तो जल जाता। देखा थोड़ा पानी निकल गया, कैबेज और आलू हाफ डाउन हो गया, फिर भी मैं पानी नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, मैं फिर से उसको स्टीम दे देता, उसको फिर से मैं स्टीम दिया, वही फ्लेम में स्टीम देना। फिर मैं 2 मिनट के बाद ओपन किया तो थोड़ा थोड़ा पानी है, उसको ड्राई कर देंगे, थोड़ा स्पीड गैस लगा देना। आप देखोगे आलू पक गया, जब पकने के बाद मेरा थोड़ा पानी ज़्यादा है, उसको थोड़ा फायर बढ़ा के उसको फुल ड्राई कर देना। उसके बाद मसाला ऐड करेंगे, चिल्ली पाउडर, आप स्पाइसी के हिसाब से चिल्ली पाउडर ले लो, लिया गरम मसाला, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर मैं ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको स्लो फ्लेम में उसको ड्राई किया करूँगा, उसको अच्छी तरह से
स्लोप है, मैं उसको धीरे धीरे मैं ड्राई किया। उसके बाद काटा हुआ धनिया ऐड किया। ये हो गया आपका नो ओनियन कैबेज सब्जी। आप घर में बनाइए, बहुत बढ़िया लगेगा, फुलका के साथ अच्छा लगेगा, रोटी के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक करना प्लीज़, शेयर भी करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।